हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्वार फलियों की सब्ज़ी बनाना बताने जा रही हूँ। जो ग्वार फली ये फ्लैट बीन्स जैसी होती है, तो इसकी सब्जी बनाना बताने जा रही हूँ। ये 250 ग्राम मैंने ग्वार फली ली है, बारीक बारीक काट ली, इसकी नसें साफ़ करके और हमें बारीक काट लेना है। और मैंने ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें पीस लेनी है। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की चाहिए, आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी का चाहिए, एक मैंने देखिए बड़ी इलायची ली और 2 छोटी इलायची, 5-6 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, ये देखिए 2 लौंग ली है मैंने, और 1 छोटा चम्मच राई दाना लिया है। ये सारी चीज़ें अभी हमें पीस लेनी है थोड़ा सा पानी डाल के। और ये देखिए, हमने तड़के के लिए 1/4 चम्मच मैंने लिया है मेथी और 1/4 चम्मच हींग का लिया है, ये अभी मैं तड़के में डालूँगी। सरसों का तेल 1 चम्मच और नमक स्वादानुसार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे लोहे की कढ़ाई रख दी है। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। लोहे की कढ़ाई में हेल्दी रहती है और भुनती भी अच्छी से है। अगर हम नॉनस्टिक में बनाते हैं तो इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो ठीक है, ये मैंने रख दिया है कढ़ाई लोहे की। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच तेल का डालूँगी। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तेल गरम होने देते हैं हम पहले। फ्रेंड ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें अपना मेथी और हींग डाल देंगे, थोड़ा सा हमें इसको भुनने देना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेथी और हींग भुन गया है। अब हम इसमें ये ग्वार फली डाल देंगे। ग्वारफली डाल के हमें बिल्कुल सिम कर देना है आंच को, बहुत तेज़ नहीं रखनी है इसको, थोड़ी देर भुनने देना है ग्वारफली को। तब तक हम अपना मसाला पीस ले रहे हैं। मसाले में मैंने हरी मिर्च बताना मैं आपको भूल गई थी, तो मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं। आप जितनी खाते हो उस हिसाब से हरी मिर्च भी उसके साथ पीस सकते हैं मसाले के साथ। तो तब तक मैं ये अपने सारे मसाले पीस लेती हूँ जो मैंने बताए थे। ये सारे मसाले मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेती हूँ। तब तक ये हमारा भुन रहा है, इसको एकदम लो फ्लेम कर दीजिए, जलना नहीं चाहिए, इसको भुनने दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये ग्वार भुन रही है। अब हम इसको बीच में ऐसे स्पेस देंगे थोड़ा सा, और हमें अपना ये मसाला इसके बीच में ऐसे डाल देना है। सारा मसाला हमें ऐसे बीच में डाल के और हमें ऐसे ढक देना है इसको। अभी हमें मसाले को चलाना नहीं है, हमें ऐसे डाल के ढक देना है ऐसे इसको ग्वार से, और गैस को बिल्कुल सिम रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं, ऐसे ढक के हमें इसको 2 मिनट बिल्कुल ऐसे ढके रहने देना है, और हमें इसको प्लेट से ढक देना है। 2 मिनट बाद अभी हम खोलेंगे इसको, फिर दिखाएंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इस सब्ज़ी को देखती हूँ और इसको हमें चला देना है। ये देखिए, हमें ऐसे इसको मसाले को मिक्स कर देना है, और हमें नमक स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हैं नमक डाल देना है इसमें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या किसी के साथ भी जो आपको पसंद है, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हमें भुनने देना है, अभी एकदम लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट इसको भुनने देना। और ये देखिए फ्रेंड, अभी मैंने नमक डाल दिया था, फलियों ने थोड़ा मॉइस्चर छोड़ दिया है। अभी हम इसको और थोड़ा पकाएंगे। मैंने एकदम लो फ्लेम रखा है, इसलिए देखिए बिल्कुल लग नहीं रही है सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। लो फ्लेम पर खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अभी हम इसको और 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे ढक के, उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये सब्ज़ी बनने में 5 से 7 मिनट, 7 से 10 मिनट लगा है, और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है।
मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ग्वार फली की सब्जी तैयार है, फटाफट से बन गई और खाने में बहुत ही टेस्टी, जितनी सुंदर दिखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी खाने में भी लगेगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।